सारे भाई अपने आ रहे हैं, पेट से आराम से चाय पानी पियेंगे। कमजोर पड़ता हुआ दिखता है तो प्रत्येक छात्र निर्मल है, मजबूती से लड़ना है और इस राजस्थान विश्वविद्यालय और दिशा में बदलाव से लेके 2022 आ गया। बड़े भाई के रूप में पिता के बराबर आशीर्वाद दिया है। मुकेश बाकर जैसा बड़ा भाई यदि किसी साथी को मिलता है तो जीवन के अंदर उसकी कभी हार नहीं हो सकती, वो कभी कमजोर नहीं हो सकती।
शुभम रेड्डी और मैं भोपाल उत्तर प्रदेश से आया हूँ। वहाँ पर हमारा एक संगठन चलता है उत्तर प्रदेश स्टेट चीनी। आप सबकी ताकत और आप सबका जो प्यार भाई निर्मल चौधरी के लिए दिया गया है उसकी गूंज आपको हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी गूंज रही है। सभी लोग हमारे उत्तर प्रदेश में छात्र हितों का हनन किया गया है, वहां पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्र हितों की लड़ाई लड़ी जाती है और आपको पूरा देश देख रहा है। आज निर्मल चौधरी को केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और हम चाहेंगे कि आपकी ये गूंज हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचे, केवल राजस्थान तक ना। इसीलिए हम वहां कल जिस दिन आपके नॉमिनेशन पर पुलिस ने आपके साथ अपने देखने के बाद हम लोग वहां से चले, हमारा भी फोन खोला छात्र। आप सबने सारे भाईचारे ने जितना भी लेकर यहाँ प्यार दिया है उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भाई देश के कोने कोने से आए हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर पूरे देश के किसी भी छात्र की लड़ाई होगी तो निर्मल चौधरी वह सबसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए पहुँचेगा। लोगों को बता देना चाहता हूँ इस राजस्थान के अंदर मुकेश बाकर जैसा कोई एमएलए नहीं है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खुद की ताकत झोंक देता है। साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे जैसे कई इस राजस्थान के अंदर कई छात्र नेता तैयार किए हैं, किसान कौन से आने वाले छात्र नेताओं से आगे बढ़ाने की पूरी पुरजोर ताकत के साथ मुकेश बाकर कोशिश करता है। अपन सब लोगों को उस बड़े भाई की ताकत को और मजबूत करना है।